हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास एट्थ एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 में हमारे पास क्या है, देखो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट, किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। अब डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट, अभी तक तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, अब हम कर रहे हैं स्क्वायर रूट मेथड से। देखो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट है हमारे पास 2304। 2304 का अगर हम निकाल लेंगे तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले बेसिक क्या है कि जो भी हमें नंबर दिया गया है उसको हम ऐसे नोट करेंगे। 2304 दे रखा है, पीछे की साइड से हम क्या करेंगे, पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं उसका। तो और 22 के हमें पेयर बनाने हैं, पीछे की साइड से पेयर बनाया तो 04 का पेयर हो गया, और फिर उससे आगे क्या है, 2 और 3 का पेयर। अब पेयर बन गया, फिर हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है कि यहाँ पे जो डिजिट लिखा जाएगा वही डिजिट सेम यहाँ पे लिखना है हमें। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं। अब 23 है, देखो 23 के लिए 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। ये हमारे पास है, और 1 1 जा 1 होता ही है, वो आपको पता है। तो अब इनमें से देखो कि कौन सा डिजिट है, 23 है, 23 कहाँ आएगा, 25 तो बड़ा हो जाएगा, तो इससे पहले क्या है, 4 4 जा, तो यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 4 4 जा 16। अब 23 में से 16 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। फिर हमारे पास सेकंड, हमारे पास क्या है, 04, तो क्या आ जाएगा, 704। अब इन दोनों डिजिट्स को, जो हमने डिजिट यहाँ और यहाँ लिख रखा था, उनको प्लस करेंगे, 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर हमें देखना है कि यहाँ पे हम क्या डिजिट लिखें कि दोनों जगह पे एक जैसा डिजिट आना चाहिए, और ये जो नंबर है इससे छोटा हो या फिर इसके इक्वल हो। तो हमारे पास यहाँ भी 8 आ जाएगा, यहाँ भी 8। 88 की अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 704, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे पास ये किसका स्क्वायर रूट आएगा, 48 का। स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 48। नेक्स्ट है हमारे पास 4489। सबसे पहले पीछे से हमने इसका पेयर बनाया, 89 और 44, दो पेयर बने हमारे पास, 44 कहाँ आएगा, इनके बीच में आया, तो क्या ले लेंगे, 6 6 जा 36, इसमें से माइनस कर देंगे 40, इधर से कैरी ली, 14 में से 6 जाएगा 8। उसके बाद फिर पूरा का पूरा पेयर उतार लिया हमने, 89 आ गया। अब 6 प्लस 6 कितना आया, 12 आया। तो यहाँ हमारे पास ऐसा डिजिट लिखना है कि उनको मल्टीप्लाई करने से 889 आ जाए, तो यहाँ भी 7 लिख दिया, यहाँ भी 7, 127 की 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 889। इसमें से इसको कैंसिल कर दिया, क्या है, 0। स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज 67। नेक्स्ट है 3481। सबसे पहले हम इसका पेयर बनाएंगे, पीछे की साइड से पेयर बनाए, एक 81 हो गया, एक 34 हो गया, 34 कहाँ आता है हमारे पास, 5 5 5 जा 25, इसमें से माइनस कर देंगे, 9 आ जाएगा हमारे पास। फिर पेयर उतार लिया, 81, 981 हो जाएगा, 5 प्लस 5 10 आया, यहाँ भी 9 लिख दिया, यहाँ भी 9, 109 की 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 981, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 0 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज 59। नेक्स्ट है 4529 का हमने पेयर बनाया पीछे से, 29 का, उसके बाद आगे हमारे पास जरूरी नहीं है पेयर बने, अगर एक डिजिट बच गया तो एक को ही हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे, लेकिन पीछे से पेयर बनाना है हमें। 29 का पेयर हो गया, ये एज इट इज छोड़ दिया। अब 5 है, 5 कहाँ आ सकता है, 2 2 जा 4, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा 1, और नेक्स्ट उतार लिया 29, 2 प्लस 2 कितना आएगा, 4, यहाँ 3 चढ़ा दिया, यहाँ भी 3, 43 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 129 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। नेक्स्ट है हमारे पास 3249।
3249, पीछे से हमने पेयर बनाया 49 और 32, 32 है तो 55 पे जाएगा, 55 जा 25, इसमें से माइनस कर देंगे 7 आ जाएगा, नेक्स्ट पेयर क्या है 49, अब 5 प्लस 5 10 आ जाएगा, यहाँ भी 7 चढ़ा दिया, यहाँ भी 7, 107 की 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 749, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 0 आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे स्केयर रूट ऑफ 3249 इज 57। नेक्स्ट है 1369, अब पीछे से हमने पेयर बनाया, ये 69 हो गए 13, पहले 3 3 से कर देंगे, 3 3 जा 9, 13 में से 9 जाएगा 4, नेक्स्ट हमारे पास पेयर क्या है 69, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा, और यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 7 7 जा 49, 4 कैरी 7 6 जा 42 और 3 4 7 6 जा 42 और 4 46, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 0। अब हमारे पास क्या लिखेंगे स्केयर रूट ऑफ 1369 इज 37। नेक्स्ट है हमारे पास 5776, इसके हमने पेयर बनाए पीछे से 76 और 57, अब 7 7 पे कर देंगे, 7 7 जा 49, इसमें से माइनस कर देंगे 8 आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 76, 7 प्लस 7 कितना आ जाएगा 14, यहाँ भी 6 लिख लिया, यहाँ भी 6, 146 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 876, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे स्केयर रूट ऑफ 5776 इज 76। नेक्स्ट है 7921, इसको हमने 8 से कर दिया, 8 8 जा 64, क्योंकि 9 9 जा 81 हो जाएगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 8 जा 64, इसमें से माइनस कर देंगे 15 आ जाएगा, नेक्स्ट पेयर क्या है 21, तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 8 16 आ गया, फिर यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, 169 की 9 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1521, इसमें से इसको माइनस कर दिया 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा स्केयर रूट ऑफ 7921 इज 89, इसका हमारे पास क्या आया 89 का स्केयर रूट। नेक्स्ट है हमारे पास 9576, 576 में पीछे से पेयर बनाया 76 का हो गया और 5 का, अब 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा 1, नेक्स्ट पेयर है 76, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, 44 की 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 176, अब इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 0, स्केयर रूट ऑफ 576 इज 24। नेक्स्ट है 1024 का पीछे से पेयर बनाया 24 और 10, 3 3 जा 9 आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, नेक्स्ट पेयर क्या है 24, तो हमारे पास आ गया 124, 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6, यहाँ भी 2 लेंगे और यहाँ भी 2 रखेंगे, 2 की 62 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 124, इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आया 0, स्केयर रूट ऑफ 1024 इज 32। नेक्स्ट है 3136, इसके पेयर बनाए 36 और 31, 55 जा 25, 31 में से 25 माइनस कर दिया 6 आया, नेक्स्ट है 36, अब 5 प्लस 5 10 आ जाएगा, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, 106 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 636, तो स्केयर रूट ऑफ 3136 इज 56। नेक्स्ट है 900, 900 की हम पीछे से पेयर बनाया 00 और ये हमारे पास एज इट इज सिंगल बचेगा, 3 3 जा 9, 3 9 में से 9 गया 0 आ गई, फिर 20 का ये पेयर था ये उतार लिया, 3 प्लस 3 6, अब 6 के साथ हम क्या लिखें, अगर 1 भी लिखेंगे तो 61 हो जाएगा, 61 यहाँ रखेंगे तो बड़ा नंबर है तो क्या लिखें, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, 60 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और इसमें से माइनस कर देंगे 0, तो स्केयर रूट ऑफ 900 इज 30, तो हमारे पास किसका आ जाएगा 30 का स्केयर रूट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्केयर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन किए आपको ये बताना है कोई नंबर दे रखा है अगर हम उसका स्केयर रूट निकालेंगे तो उसका स्केयर रूट कितने डिजिट्स का होगा, उसके लिए देखो हमारे पास क्या है 64, 64 का निकालने के लिए हमें क्या करना है, हेयर 64 कंटेंस टू डिजिट्स विच इज इवन, इसके अंदर हमारे पास टोटल कितने डिजिट है 2 डिजिट हैं और 2 हमारे पास कैसा नंबर हो गया इवन नंबर हो गया, तो इवन नंबर से जब
जब हम निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, सो नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वेयर रूट, तो इसके स्क्वेयर रूट में कितने नंबर आएंगे, एन बाई टू। एन हमारे पास क्या है, टू डिजिट है, इसके अंदर एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ डिजिट्स, तो टू डिजिट्स हैं, टू बाई टू कर देंगे, टू से टू कैंसिल होके क्या आएगा, वन। नेक्स्ट है 144। अब 144 में थ्री डिजिट्स हैं तो क्या लिखेंगे, थ्री, थ्री हमारे पास ओड नंबर हो जाएगा, हेयर 144 कंटेन्स थ्री डिजिट विच इज ओड, और थ्री डिजिट्स हैं तो थ्री हमारे पास कैसा नंबर है, ओड नंबर है, सो नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वेयर रूट, इसके स्क्वेयर रूट में कितने नंबर आएंगे, जब ओड है तो एन प्लस वन बाई टू, एन हमारे पास थ्री है, थ्री प्लस वन बाई टू, थ्री प्लस वन फोर, फोर बाई टू कितना आ जाएगा, टू, तो इसके हमारे पास स्क्वेयर रूट में कितने डिजिट आएंगे, टू। नेक्स्ट है 4489। अब इसके अंदर डिजिट कितने हैं, फोर, हेयर 4489 कंटेंस फोर डिजिट्स विच इज इवन, अगर इवन है तो डिवाइडेड बाय टू कर देंगे डायरेक्ट, सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वेयर रूट एन बाई टू, एन हमारे पास कितने डिजिट हो गए, फोर, फोर बाई टू, टू से कैंसिल कर देंगे, टू। नेक्स्ट है 27225। अब इसके अंदर देखो 27225 कंटेंस फाइव डिजिट्स, इसमें फाइव डिजिट्स हैं, तो फाइव हमारे पास कैसा नंबर है, ओड नंबर है, सो नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वेयर रूट ओड नंबर है, तो एन प्लस वन बाई टू, एन हमारे पास फाइव प्लस वन बाई टू, फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स बाई टू थ्री। नेक्स्ट है 390625, इसके अंदर डिजिट्स कितने हैं, सिक्स हैं, हेयर 390625 कंटेन सिक्स डिजिट विच इज इवन, अगर इवन है तो बाई टू कर देंगे, सो नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वेयर रूट इज एन बाई टू, सिक्स बाई टू, टू से कैंसिल कर देंगे, थ्री। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, आपको डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं उनका स्क्वेयर रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे हम, देखो बिल्कुल सेम मेथड है और कुछ भी नहीं करना हमें, 2.56 है, 2.56 का निकालने के लिए हमने क्या किया, 2.56 है, पीछे की साइड से हमने पेयर बनाया, पीछे की साइड से पेयर बनाया तो कितने का बनेगा, 56 का, और 2 अलग बचेगा, फिर 1 बन जा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, उसके बाद पॉइंट है तो ऊपर भी क्या लगा दिया हमने, पॉइंट, 1 प्लस 1 कितना आया, 2 आया, अब यहाँ भी 6 डिजिट लिख दिया और यहाँ भी 6, 26 के 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, 156, इसमें से माइनस कर दिया 0, तो ये हमारे पास क्या आया, 1.6, स्क्वेयर रूट ऑफ 2.56 इज 1.6। नेक्स्ट है 7.29, अब देखो 7.29 पेयर बनाया हमने 29 और 7 का, अब 2 से कर देंगे, 2 2 जा 4, 3 करेंगे तो 9 आएगा, वो हो नहीं सकता, बड़ा हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, अब हमारे पास यहाँ पॉइंट है तो ऊपर भी पॉइंट लगा दिया हमने, उसके बाद डिजिट उतार लिया 29, 2 प्लस 2 4, अब यहाँ 4 आ गया तो यहाँ भी 7 लिख दिया, यहाँ भी 7, 47 के 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, 329, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज 2.7। नेक्स्ट है 51.84, 51.84 पहले हमने इसके पेयर बनाए, 84 बन गया और 51, 7 7 जा 49, इसमें से माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा हमारे पास, और नेक्स्ट क्या 84, 7 प्लस 7 14 आ जाएगा, अब यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 142 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 284, इसमें से माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज 7.2। नेक्स्ट है 42.25, अब पॉइंट लगाया, पीछे से हमने पेयर बनाया, अब 6 6 जहाँ 36 हो जाएगा, 42 में से 36 को माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा, अब पॉइंट है तो ऊपर पॉइंट लगा दिया हमने, एज इट इज 6 प्लस 6 12 आ जाएगा, अब नेक्स्ट पेयर क्या है 25, 5 यहाँ लगा देंगे, यहाँ भी 5, 125 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इज 6.5। नेक्स्ट है फिफ्थ 31.36, 31.36 पीछे से हमने पेयर बनाया 36 और 31, अब 5 5 जा
25 हो जाएगा, 31 में से 25 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर क्या है, 36, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट लगा दिया। अब हमने 5 प्लस 5 कितना आएगा, 10 आ जाएगा। फिर यहाँ भी 6 लगा दिया, यहाँ भी 6, 106 के 6 से मल्टीप्लाई कर दी हमने तो क्या आ जाएगा, 636। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 इज 5.6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। से ये बोल रखा आपको कि वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करने से गेट ए परफेक्ट स्क्वेयर, कि हमें एक परफेक्ट स्क्वेयर मिल जाए। आल्सो फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वेयर, और जो भी हमें वो स्क्वेयर मिलेगा उसका हमें क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वेयर, कि वो किसका परफेक्ट स्क्वेयर है। फर्स्ट है हमारे पास 402, 402 का हमने परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए हमारे पास डिवीजन मेथड से कर रहे हैं, तो 402 का हमने पीछे से पेयर बनाया, 0 2 बन गया और एक 4, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0। नेक्स्ट हमारे पास पेयर क्या है, 0 2, 0 2 उतार के ले आए हम, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ भी अगर 1 रख दिया तो 41 हो गया, और 41 तो 2 से बड़ा हो गया, तो हमने यहाँ भी 0 रखा और ऊपर भी 0, 40 की 0 से मल्टीप्लाई कर दें क्या आएगा, 0, और इसमें से माइनस कर दिया तो 2 आ गया। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 2, तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर देन वी गेट ए परफेक्ट स्क्वेयर। अगर हमें एक परफेक्ट स्क्वेयर चाहिए तो जो हमारे पास सब रिमाइंडर आता है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, 402 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 400, और 400 किसका स्क्वेयर रूट होता है, 20 का। स्क्वेयर रूट ऑफ 400 इज 20, 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 मल्टीप्लाई 20, इसको मैंने लिख दिया 20 का स्क्वेयर, तो स्क्वेयर को उधर लेके गए, रूट 400 का रूट हमारे पास क्या आया, 20। नेक्स्ट है 1989, अब इसका हमने बनाया, 89 का पेयर हो गया, 19 का हो गया, 4 4 जा 16, 19 में से 16 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 3 आया, और ये क्या है, 89, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। अब यहाँ भी 4 और ऊपर भी 4, 84 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 336, इसमें से हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आया, 53। अब रिमाइंडर 53 है तो टोटल में से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे हम, वी नो दैट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम द नंबर वी गेट ए परफेक्ट स्क्वेयर। अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वेयर मिल जाएगा। तो 1989 माइनस 53 कर देंगे, इसमें से 53 माइनस करने से हमें क्या मिल जाएगा, 1936, हेंस द स्क्वेयर रूट ऑफ 1936 इज 44। नेक्स्ट है 3250, सबसे पहले पेयर बनाए 50 का बन गया और इधर 32 का, फिर 5 से कर देंगे, 5 5 जा 25, 32 में से 25 को माइनस कर देंगे 7 आ जाएगा, और ये क्या है, 50, 5 प्लस 5 10 आ जाएगा, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 107 के 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 749, अब इसमें से माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 1, टोटल में से हम 1 को माइनस कर देंगे। वी नो दैट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम द नंबर वी गेट ए परफेक्ट स्क्वेयर, सो 3250 माइनस 1 कर देंगे, 3249, और वो किसका स्क्वेयर रूट होगा, 57 का, हेंस स्क्वेयर रूट ऑफ 3249 इज 57। नेक्स्ट है 825 के हमने पेयर बनाए, 25 का अलग हो जाए, 8 अलग बचेगा, 2 2 जा 4, 8 में से 4 जाएगा 4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 25, अब 425 हो गया, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। अब देखते हैं, हम मल्टीप्लाई करके देख लेना कि यहाँ पे 6 से होगा या 7 से या 8 से। अब 8 से करेंगे तो हमारे पास 48 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 384 आएगा। अगर यहाँ हम 9 रख देंगे तो बड़ा नंबर आएगा, इसलिए हम किससे कर दिया, 8 से, इसमें से माइनस कर देंगे हम क्या आएगा, 41। अब टोटल में से 41 माइनस कर देंगे, वी नो दैट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम द नंबर वी गेट ए परफेक्ट स्क्वेयर, सो 825 माइनस 41 क्या आ जाएगा, 784, सो स्क्वेयर रूट ऑफ 784 इज 28, तो हमारे पास किसका आ जाएगा, 28 का।
नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, 4000। 4000 को हमने किया पेयर बनाया पहले, उसके बाद हमने 6 से किया, 6 6 जहाँ 36, 40 में से 36 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 0 0, 6 प्लस 6 12 आ गया, यहाँ पे भी 3 लगा दिए, यहाँ भी 3, 123 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 369, इसमें से माइनस कर देंगे 31, तो हम 4000 में से 31 को माइनस कर देंगे। वी नो दैट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम द नंबर वी गेट ए परफेक्ट स्क्वेयर, 4000 माइनस 31 ये आ जाएगा 3969, और वो किसका परफेक्ट स्क्वेयर रूट होगा 63 का, हैंड स्क्वेयर रूट ऑफ 3969 इज 63। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।